अस्सलाम वालेकुम टू क्लास साइंस लेक्चर नंबर 3 यूनिट 6 सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस। वी आर मूविंग आवर नेक्स्ट रीडिंग। ओपन योर पेज एंड द टॉपिक इज सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस। ऑल मटेरियल्स अराउंड अस आर सॉलिड लिक्विड और गैस। डियर चिल्ड्रन, I already told you in the intro of your lesson, there are so many things around us are made from materials, and all things around us, all are materials around us. हमारे इर्द गिर्द बेटा जितनी भी चीज़ें हैं वो materials से बनी हैं, और वो materials हमारे हैं solid, ठोस, liquid, maya और gas. Okay, and I will tell you about them one by one. The first material is solid. Solid means ठोस चीज, सख्त चीज, hard जो होती है थोड़ी सी. Okay, we can see, touch, feel, weigh, and describe solids. We can see, हम देख सकते हैं, touch, छू सकते हैं यानी हाथ लगा सकते हैं, हम फील महसूस कर सकते हैं यानी उस चीज़ को हम महसूस कर सकते हैं कि वो सख्त है, बड़ी है या छोटी है, जिस तरह से भी उसको हम फील कर सकते हैं उसकी मौजूदगी को. वे वज़न करना, वे मीन्स वज़न करना, हम उसको वज़न कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं उसका कि ये हैवी है या लाइट है. एंड डिस्क्राइब, और उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, इज़ दैट अ स्क्वायर, इज़ दैट अ टॉल, इज़ दैट अ फैट, थिक और थिन और सॉफ्ट. ओके, रीड दिस लाइन अगेन. वी कैन सी, टच, फील, वे एंड डिस्क्राइब सॉलिड्स. मोस्ट सॉलिड्स आर हार्ड, सम कैन बी सॉफ्ट. मोस्ट सॉलिड्स आर हार्ड, बहुत सी सॉलिड चीज़ें जो होती हैं बेटा वो सख्त होती हैं, जैसा कि ये रॉक, ये चट्टान है, एक बड़ा सा पत्थर, उसको रॉक कहते हैं, चट्टान. और आइस क्यूब, ये भी हार्ड होती है थोड़ी सी, बट अ पिलो कैन बी सॉफ्ट. सम सॉलिड थिंग्स कैन बी सॉफ्ट, जैसा कि ये पिलो. ओके, रीड दिस लाइन अगेन. मोस्ट सॉलिड्स आर हार्ड, सम कैन बी सॉफ्ट. सेकेंड इज लिक्विड्स. लिक्विड्स मीन्स माया, यानी पतली चीज़ें, माया चीज़ें, जैसा कि पानी, गिला जूस, दूध, मिल्क, इस तरह की चीज़ें. ओके, वी कैन सी, हम देख सकते हैं, एंड टच, उनको टच कर सकते हैं लिक्विड्स को. ओके, वी कैन सी एंड टच लिक्विड्स. वी कैन ऑल्सो पोर लिक्विड्स. पोर होता है उंडेलना. उंडेलना मीन्स हम एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उसको, एक पॉट से दूसरे पॉट में, एक बॉटल से दूसरे पॉट में उसको उंडेल सकते हैं, पोर कर सकते हैं. ओके, वी कैन ऑल्सो पोर लिक्विड्स. ओके, जैसे कि देखें, आप ऑयल की बॉटल है, आप उसको पॉट में मामा मतलब डालकर तो उसके लिए खाना बनाती हैं आपके लिए. इसी तरह से मिल्क आपका लिक्विड है और वो आप गिलास में या कप में उसको पोर करके उसको यू कैन ड्रिंक इट. ओके, देन रीड दिस लाइन अगेन. वी कैन सी एंड टच लिक्विड्स एंड वी कैन ऑल्सो पोर लिक्विड्स लाइक मिल्क, ऑयल एंड वाटर. अब देखिए, टैप ऑन करते हैं तो आप पॉट में या गिलास में या जो भी आपको रिक्वायर्ड होता है, आप बॉटल में उसको पानी को, वाटर को फिल कर लेते हैं. ओके, सो एंड इट कैन टेक द ऑल्सो शेप. मैंने आपको बेटा इंट्रो में बताया था कि ये बॉटल जो है लिक्विड्स की एक और क्वालिटी होती है कि वो शेप ले लेता है. अब मिल्क को गिलास में देखें, इस तरह से शेप उसने लिया. आपने ऑयल को बॉटल में डाला, बॉटल की शेप हो गई. इसी तरह से आप कप में पानी में उसको वाटर को करेंगे तो फिल करेंगे तो वो कप की शेप का हो जाएगा. इसी तरह मिल्क देखिए, जब आपका उसमें पैकेट में होता है या उसमें
जब आप बाज़ार से उसको लाते हो वो जिस भी पैकिंग में होता है वो उसी शेप में होता है, और जब आप उसको गिलास में या कप में पोर करते हैं या उंडेल लेते हैं, डाल लेते हैं उसको, तो वो वही शेप इख्तियार कर लेता है। तो सो चिल्ड्रन, यू हैव लर्न सो मैनी थिंग्स इन दिस रीडिंग। लर्न इट एंड अंडरस्टैंड इट विद योर मदर और सिस्टर। ओके, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।